Hello, friends. Very warm welcome to LK Academy and welcome to your current affairs lecture number 20. So, we have completed 19 lectures and I hope that you have gone through all previous lectures. Please consider that all those lectures are very, very, very important from your exam point of view. Now, we'll start today's lecture by the quote of Abraham Lincoln. Okay, I hope that. यू मस्ट नो दैट हु इज़ अब्राहम लिंकन सो अब्राहम लिंकन थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति ओके एंड ईफ है सो ही इज़ दिक्सटीन प्रेसिडेंट ऑफ़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या कहा था उन्होंने आई विल प्रिपेयर एंड समे माई चांस विल कम सो यू शुड ऑल्सो रिपीट दिस

वो है फूड सिस्टम विज़न ट्वेंटी फिफ्टी प्राइज़ बाई रॉक फेलर फाउंडेशन तो यू का एक मान लीजिए एन जी ओ टाइप की एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है रॉक फेलर फाउंडेशन वो ये फूड सिस्टम विज़न ट्वेंटी फिफ्टी प्राइज़ देती है अब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि भाई फ़ूड सिस्टम में अगर किस किसी का विज़न अच्छा होगा कोई पर्टिकुलर का या किसी संस्था का विज़न अगर अच्छा होगा तो उसे ये प्राइज़ दिया जाएगा

अराकोनॉमिक्स मॉडल ओके ना वॉट इज दिस अराकोनॉमिक्स मॉडल वी विल डिस्कस इन फर्दर स्लाइड्स ना वॉट इज द फूड सिस्टम विजन प्राइज सो इट वॉज लॉन्च्ड बाई यू एस ए बेस्ड द रॉक फेलर फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विथ दी अदर टू ऑर्गेनाइजेशन आई डी ई ओ इन ट्वेंटी नाइनटीन सो ट्वेंटी नाइनटीन से फूड सिस्टम विजन प्राइज को लॉन्च किया गया है इट इज एन इन्विटेशन फॉर ऑर्गेनाइजेश ग्लोब to develop a vision of the regenerative and nourishing food system that they aspire to create by year 2050 okay so it is an invitation for organizations across the globe puri duniya ke har koi aisa ngo hai aise koi institution hai jo ye vision rakhti hai ki ek regenerative okay uh, organic farming ho gaya sustainable food generation system हो गया nourishing food system हो गया अगर वो क्रिएट करने का काम कर रही है कोई इंस्टीट्यूशन तो उसको ये प्राइज दिया जाएगा फूड सिस्टम विजन इज़ अ स्टोरी अबाउट द फ्यूचर दैट एड्रेसेस द फॉलोइंग सिक्स इंटरकनेक्टेड थीम्स तो बेसिकली ये जो प्राइज़ मनी इसमें दिया जाता है वो कौन से बेसिस पे दिया जाता है तो जो फॉलोइंग छः इंटरकनेक्टेड थीम्स हैं कौन सी कौन सी एनवायरमेंट डाइट्स इकोनॉमिक्स कल्चर टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे डीपली तो ये छ के छः जो थीम्स है जो एस्पेक्ट है जो मॉड्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं द नोशन इज दैट बाई ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स फॉलोइंग चैलेंजेस कैन बी एड्रेस ओके अगर फूड सिस्टम को बदल दिया जाएगा आने वाले टाइम में तो वो फ्यूचर को कैसे इम्पेक्ट करेगा सो अ ग्लोबल पॉपुलेशन अप्रोचिंग टेन बिलियन जैसा है देखिए हमारे एंसेस्टर्स ने पानी की समस्या के बारे में नहीं सोचा तो आज वर्ल्ड इज़ फेसिंग दी वाटर स्केरसिटी राइट वाटर क्राइसिस अगर आज हम खाने के बारे में नहीं सोचेंगे फार फार्मिंग लैंड जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है अगर हम कोई सस्टेनेबल फूड सिस्टम नहीं बनाते आने वाले कुछ सालों में तो आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है ग्रीन हाउस गैसेज चेंजिंग द क्लाइमेट एर, एंड पल्यूशन पॉइजनिंग सॉइल एयर एंड वाटर एज़ व्यू ऑल नो हमारा जो बेसिक आज सब्जी है ओके okay, जो आलू और लौकी जो हम खाते हैं बेसिक सी चीज़ें वो भी आज विदाउट पॉइजन हमें नहीं मिलती मार्केट से राइट right? क्यों क्योंकि अब जमीन में वो न्यूट्रिशन बचे ही नहीं है कि आपको फ्रेश सब्ज़ी मिल पाए राइट एंड दैट्स वाई दी होल न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज़ बिन इमर्ज ओके एंड देट इज टू कॉस्टली ओके जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो पैदाइश है वो काफ़ी कैसी है कॉस्टली है महंगी है और हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता सो so, जो जीतने वाला जो इंस्टीट्यूशन है या जो इंडिविजुअल है उसको क्या दिया जाएगा यू एस डॉलर टू मिलियन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टॉप विजनरीज हु विल बी एलिजिबल टू रिसीव अ प्राइज ऑफ़ यू एस डी टू लैक ईच राइट ना वॉट इज़ नंदी फाउंडेशन एंड वॉट इज़ अराकोनॉमिक्स तो देखिए अराको नाम का एक इलाका है आंध्र प्रदेश में राइट right, और उसके ऊपर से उनका जो विजन है फूड सिस्टम के लिए उसको अराकोनॉमिक्स नाम दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिकोगनाइज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ अराकोनॉमिक्स मॉडल इन इन रीजियंस ऑफ अराको विच इज़ इन आंध्र प्रदेश वर्धा विच इज़ इन महाराष्ट्र एंड न्यू डेली लीडिंग टू द फूड विजन ट्वेंटी फिफ्टी दैट फॉलोज एन ए बी सी डी ई एफ जी एच फ्रेमवर्क सेंटरिंग ऑन न वॉट इज दिस ए बी सी डी ई एफ जी एच फ्रेमवर्क सो देट इज़ दी फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर बायोलॉजी कॉम्पोस्ट कॉम्पोस्ट मतलब जो आपका खातर जो होता है राइट right? ताकि आपके जो कोई भी जो प्लांट है वो अच्छा होगे उसको जो बेसिक न्यूट्रीशन चाहिए वो कहाँ से मिलेंगे आपको कॉम्पोस्ट से मिलेंगे डी सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग एंट्रप्रीन्योर्स फैमिलीज ग्लोबल मार्केट्स एंड हेड स्टेंड्स एंड वॉट इज हेड स्टेंड्स दैट इज इम्प्लाइंग इनोवेशन ओके इन आइडिया सबके पास है बट सक्सेसफुल कौन होता है जो उसको अप्लाई करता है तो ये ए टू एच का जो फ्रेमवर्क है वो कुछ इस हिसाब से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है अराकोनॉमिक्स इज द न्यू इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक मॉडल दैट इन्श्योर्स प्रो प्रोफिट फॉर फार्मर्स क्वालिटी फॉर कंज्यूमर्स थ्रू रीजनरेटिव एग्रीकल्चर देखिए फार्मर को प्रॉफिट भी मिलेगा और कंज्यूमर जो कि हम हैं हमें क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिलेगा जो कि आजकल मिलना मुश्किल है इट इज़ बेस्ड ऑन दी वर्क विथ ट्राइबल फार्मर्स इन अराकू फॉर नियरली ट्वेंटी ईयर्स आज भी ऐसा कहा जाता है कि गाँव में जो सब्ज़ी उगती है या जो दूध मिलता है वो ज़्यादा फ्रेश होता है इन कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज एंड वाई सो बिकॉज़ वहाँ तक अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची दैट्स वाई इज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजीज और मैथड यूज बाई ट्राइबल फार्मर्स द इकोनॉमिक मॉडल इज अ ट्रिब्यूट टू द ट्राइबल फार्मर्स ऑफ अराको रिजियन फॉर द वर्ल्ड क्लास कॉफी प्रोड्यूज एंड लॉन्च इन पेरिस इन ट्वेंटी सेवनटीन एज वेल एज फॉर द हाई कार्बन लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मेशन दे डिड इन ओवर नाइन फिफ्टी फाइव देयर बाई प्लानी फाइव मिलियन ट्रीज देखिए अगर एंड यूजर को अगर देश के एकदम सुदूर इलाके के इंसान को अगर नेशन बिल्डिंग में जोड़ा जाए तो क्या चेंजेस यहाँ पे हो सकता है उसका एक एग्जांपल आपको मिलता है यहाँ पे अराकोनॉमिक्स सक्सेस इन अराको लेड टू नांदी रेप्लिकेटिंग दी मॉडल टू सपोर्ट दी लाइवलीहुड्स ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज इन विलेजेस ऑफ वर्धा इन फेमस ऑफ एग्रेन डिस्ट्रेस एज़ वेल एज लेटर इन न्यू डेली एज पार्ट ऑफ अर्बन फार्म्स को प्रोग्राम तो देखिए विदर्भ का जो इलाका है महाराष्ट्र में जहाँ पे ये वर्धा है नागपुर जैसे जो इलाके आते हैं ओके okay, जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से सटा हुआ जो इलाका है वहाँ पर बारिश की बड़ी समस्या रहती है काफ़ी सालों से बारिश होती नहीं है और सूखे वाले हालात हमेशा वहाँ पर देखने को मिलते हैं तो इस सिचुएशन में फार्म फार्मर फैमिलीज़ जो है जो कि टोटली totally अपना जो जीवन है वो फार्मिंग के बेस पे चला रहे हैं उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है तो उनको ये अराकोनॉमिक्स का जो मॉडल है उससे काफी फायदा मिला है और क्या है अराकोनॉमिक मॉडल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी कंपोस्ट डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग ओके इसके साथ आप और एक आपका पुराना टॉपिक जोड़ सकते हो जीरो बजट फार्मिंग राइट इन प्रीवियस लेक्चर एंड इन 2019 बजट आल्सो श्रीमती निर्मला सीतारमन हु वॉज दी फिनांस मिनिस्टर राइट सो शी हैज़ गिवन दी आइडिया ऑफ ज़ीरो बजट फार्मिंग टू एंटायर इंडिया उसके पहले उनको ये आइडिया कहाँ से मिला तो कर्नाटक के एक इंसान है एक शख्स है जिनको काफ़ी प्रेस्टिजियस एक अवार्ड भी मिला हुआ है तो आपको होमवर्क में मुझे उनका नाम बताना है ताकि आप ज़ीरो बजट फार्मिंग के बारे में पढ़ लो ओके सो फर्स्ट रिविजन टॉपिक इज ज़ीरो बजट फार्मिंग उनको एक प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड मिला हुआ है ओके चलिए उसके ऑप्शन में आपको देता हूँ पद्मश्री पद्म भूषण भारत रत्न इन तीन में से एक अवार्ड उनको मिला हुआ है और उनका नाम आपको मुझे बताना है एंड मीन विद दिस यू नीड टू रीड अबाउट जीरो बजट फार्मिंग और जीरो बजट फार्मिंग क्यों बजट में लाया गया ताकि 2022 तक फार्मर्स की जो इनकम है उसको क्या किया जा सके डबल किया जा सके अराकोनॉमिक्स सक्सेस इन अराको लेड टू तो नांदी एप्लीकेटिंग द मॉडल टू सपोर्ट द लाइवलीहुड्स ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज इन विलेज ऑफ वर्धा इन फेमस ऑफ डिस्ट्रेस एज वेल एज लेटर इन न्यू डेली पार्ट ऑफ अर्बन फार्मर्स को प्रोग्राम नांदी होप्स टू एक्सपांड इट्स फुटप्रिंट by क्रिएटिंग thousands ऑफ़ फार्म livelihoods by ट्रांसफॉर्मिंग their एग्रीकल्चर over 1 मिलियन एकर्स स्प्रेड across इंडिया तो आने वाले सालों में नांदी का ये गोल है कि लगभग एक लाख हेक्टेयर पूरे इंडिया में जमीन को कवर किया जा सके और जो फार्मर फैमिलीज हैं उनको मदद की जा सके रॉक फाउंडेशन विल रिलीज यू एस वन

और एक न्यूज़ और काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपने सुने हो जम्मू कश्मीर को लेकर जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको बदल दिया गया है कौन थे लेफ्टिनेंट गवर्नर फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू राइट नाउ द सेकेंड होमवर्क टॉपिक फॉर यू गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह किसको जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया है यू नीड टू सर्च एंड प्रोवाइड दिन कमेंट बॉक्स सो नाउ और गिरीश चंद्र मुर्मू को कहाँ भेजा गया है उनको बनाया गया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक और महालेखा अभियंता राइट right? अगर हिंदी में किसी को नाम जानना है तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैज़ बीन अपॉइंटेड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसे हम जनरली कैग के नाम से जानते हैं और जनरली कैग क्या करता है सरकारी जो कंपनियां है या सरकार है या राज्य सरकारें है या कोई लोकल गवर्नमेंट बॉडी है सेमी गवर्नमेंट बॉडी है उसके खर्च का हिसाब रखेगा कितना पैसा उसको दिया गया था उसने कितना पैसा कहाँ खर्च किया उसमें कोई घोटाला तो नहीं किया बेसिकली ये सारी चीज़ें कौन करेगा देश के लिए या किसी स्टेट के लिए या किसी एक्सवाइजेड गवर्नमेंट बॉडी के लिए कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही हैज़ रिप्लेस्ड राजीव महर्षि एंड विल हैव अ टेन्योअर अप टू 20th नवंबर 2024, देखिए ऑलमोस्ट चार सालों के लिए उनको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाया गया और कब उन्होंने शपथ ली 8th ऑफ August 2020, ट्वेंटी किस किसने उनको शपथ दिलवाई प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने उनको शपथ दिलवाई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पद के लिए राइट और उससे पहले वो कहाँ पे थे ऑफिस में तो वो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम थर्टी फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी नाइनटीन विच इज नेशनल यूनिटी डे थर्टी फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी नाइनटीन टू फिफ्थ ऑफ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी ओके लास्ट टाइम इसी दिन फिफ्थ और सिक्स अगस्त को ही राज्यसभा और लोकसभा में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास किया गया था और जम्मू कश्मीर जो पूरा यूनाइटेड स्टेट था उसको दो यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में क्या कर दिया गया था डिवाइड uh, कर दिया गया था राइट चलिए नाउ दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी राइट कैग का जो पद है वो एक संविधानिक पद है इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 148 फोटी एट प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द दै इट इज़ द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया और ऑडिट का मतलब क्या होता है जांच करना ठीक है किसी भी खर्च की जांच कौन करेगा कैग करेगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अदर प्रोविजन रिलेटेड टू कैग इंक्लूड आर्टिकल फोर्टी नाइन टू वन फिफ्टी वन सो देर आर सेवरल आर्टिकल्स जहाँ पे उसका टेन्योर क्या होगा सैलरी uh, क्या होगी पर्कस क्या दिए जाएंगे उसकी ड्यूटीज एंड पावर क्या होंगे ये सारी चीज़ें आपको कौन से आर्टिकल्स में मिलेंगी आर्टिकल 149 टू 151 व्हिच इंक्लूड्स ड्यूटीज एंड पावर्स फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स एंड द ऑडिट रिपोर्ट्स That is related to CAG, Article 279, calculation of net proceeds and the third schedule oath or affirmation and sixth schedule administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. तो ये कुछ related articles constitution के जो I am sure क्या polity पढ़ते time ये सारी चीजें आपने जब CAG का topic पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने ये सारी चीजें पढ़ी होगी। प्रोफाइल क्या रहेगी क्या उनका जॉब प्रोफाइल रहेगा सो ही विल बी हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्रिएटेड इन 1753 राइट और ऑडिट एंड अकाउंट जो कि कॉमर्स वाले जो लोग हैं वो इसको इजीली समझ ले समझ जाएंगे राइट right? कि खर्च कितना होगा पैसा कितना आया है कहाँ से आया है गया है तो क्यों वहाँ पे गया है जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था अगर बीच में कहीं गड़बड़ी हुई तो वो सारी चीजों पे नजर कौन रखेगा सिस्टम ऑफ कंट्री एट बोथ देंटर एंड देखिए, स्टेट के रिपोर्ट्स भी कैग ही रेडी करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी कैग ही रेडी करेगा वन ऑफ द बल्क वर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब आप सोच सकते हो कि अगर एक ही कैग का ऑफिस सारे स्टेट्स यूनियन टेरिटोरीज और पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब रख रहा है तो कितना बल्कि काम वो कर रहा होगा एक साल के दौरान अदर्स बींग द सुप्रीम कोर्ट द इलेक्शन कमीशन एंड दू पी एस सी दी अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव दि पार्लियामेंट इन दिस फियर ऑफ फिनेशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज सिक्योर्ड थ्रू ऑडिट रिपोर्ट ऑफ दैग देखिए ये आपको क्या दिया गया है the, इसके ऊपर कोई, कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई नहीं है और यूपीएससी के ऊपर भी कोई नहीं है दीज आर सुप्रीम इंडिपेंडेंट बॉडीज ये स्वायत्त तरीके से स्वतंत्र तरीके से अपना काम करेगी जिसमें कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हस्तक्षेप नहीं करेगा कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल इंटरफेयर नहीं करेगा दी अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट इन द स्फीयर ऑफ फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज सिक्योर्ड थ्रू ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द कैग और देखिए हो सकता है कि कैग करंट गवर्नमेंट के जो भ्रष्टाचार है उसको भी सामने उजागर कर सके आपको अगर कॉमनवेल्थ घोटाला याद हो ओके okay, जब इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले थे और उसके पहले ही यूपीए की गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था राइट right, तो वो कौन लाया था वो घोटाला वो कैग के रिपोर्ट से पता चला था कि भाई कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतने पैसे मिनिस्टर को दिए थे या किसी मिनिस्ट्री को दिए थे मिनिस्ट्री ने उसका जहाँ उपयोग करना चाहिए था वहाँ यूज़ नहीं किया और अपने करप्शन के लिए उसको यूज़ किया गया तो वो किसकी रिपोर्ट से पता चला केग की रिपोर्ट से तो ऐसा नहीं है कि कैग के गवर्नमेंट uh, से डर के, के, के काम करेगा या गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आकर काम करेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा अपॉइंटमेंट कौन करता है तो अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय अ वॉरंट अंडर हिज हैंड एंड सील टेन क्या रहेगा पीरियड ऑफ सिक्स ईयर्स और अप टू द एज ऑफ सिक्सटी फाइव ईयर्स विच एवर इज अर्लियर तो इन दोनों में से जो पहले होगा तब तक वो अपनी पोस्ट पर बना रहेगा रिमूवल कौन कर सकता है सो कैग कैन बी रिमूव्ड on the ऑन द सेम in एंड इन manner एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ही डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट राइट तो अगर या और कोई करप्शन केसेस अगर हो रहे हो तो उस बेसिस पे को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं इन अदर वर्ड्स ही कैन बी बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द रिजोल्यूशन पास्ड टू दैट इफेक्ट बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी ईदर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इन राइट मान लीजिए अगर कोई पोस्ट पर रहते रहते इतना बीमार हो गया कि वो पूरी कैपेसिटी से अगर काम नहीं कर रहा है तो प्रेसिडेंट उसको क्या करेंगे हटा देंगे या तो कोई ऐसा बिहेवियरल मिसकंडक्ट अगर होता है तो उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट उसको हटा सकते हैं राइट एंड सेम एज दी सुप्रीम कोर्ट जज जैसे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है वैसे देखिए सुप्रीम कोर्ट का जज जब मैं बोल रहा हूँ एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब मैं बोल रहा हूँ वो दोनों काफ़ी अलग चीज़ें है राइट right? तो उन दोनों का डिफरेंस भी एक बार आप अपने पॉलिटी के साथ जोड़कर कर यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं क्या ऑफिस या सैलरीज उसकी क्या रहेगी सो नॉट एलिजिबल फॉर

अगर पार्लियामेंट में कभी उनको जाना हुआ तो ओके ओन बिहेवियरल मिसकंडक्ट या रिपोर्ट uh, पेश करने के लिए कोई मिनिस्टर गवर्नमेंट से उनको रिप्रेजेंट नहीं करेगा राइट right? अगर मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है तो उसका मतलब क्या हो गया कि मिनिस्टर उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है राइट right? बट वो तो इंडिपेंडेंट पोस्ट है इसीलिए मिनिस्टर संविधान में लिखा गया है दैट नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट दैग इन पार्लियामेंट ड्यूटीज और पावर्स क्या क्या रहेंगे सो so, वो

यूनियन टेरिटरीज के खर्च के हिसाब वो रखेंगे ऑडिट्स ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम देंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एज वेल एज दंटिजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट एंड द पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट राइट ऑडिट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स एंड अदर सब्सिडियरी अकाउंट्स केप्ट बाई एनी डिपार्टमेंट ऑफ़ दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑडिट द रिस एंड एक्सपेंडिचर ऑफ दी फॉलोइंगे जो चार बेसिक जो बॉडीज uh, है उस उनके लिए कैक जो है वो ऑडिट की उनके पास पावर है बॉडीज एंड ऑथोरिटीज सब्सटेंशली फिन फ्रॉम देंट्रल और स्टेट रेवेन्यूज राइट ऐसे कोई स्कूल्स है या कोई एन जी ओज है uh, जिसको फंड जाता है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से तो उनके जो भी बैलेंस शीट है उनको वो क्या कर सकते हैं ऑडिट कर सकते हैं गवर्नमेंट कंपनीज राइट जो जितनी भी सारी पी एस यूज हैं उनको वो ऑडिट कर सकते हैं अदर कॉर्पोरेशंस एंड बॉडीज़ वेन सो रिक्वायर्ड बाई रिलेटेड लॉज अगर कभी ऐसी ज़रूरत आती है कि भाई कोई किसी और कोई कंपनी के भी ऑडिट की अगर ज़रूरत पड़ी तो वो लॉ के हिसाब से उसको भी ऑडिट करेंगे ऑडिट्स दफ़ एनी अदर ऑथोरिटी वेन रिक्वेस्टेड बाई द प्रेसिडेंट और गवर्नर फॉर एग्जाम्पल दफ़ लोकल लोकल बॉडीज ओके लेट्स ए जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया गया जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही थी तो कॉमनवेल्थ गेम्स इज नॉट अ रूटीन पार्ट ठीक है ना हर साल उसको ऑडिट करने की जरूरत नहीं थी बट क्योंकि उस टाइम पर्टिकुलर वो चीज़ आई और संसद में ये मांग उठी कि वहाँ पे घोटाला हुआ है तो गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ भाई चलो कि कैग उसकी जांच करेगा उसके बाद कैग ने उसकी जांच की ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड देन वहाँ पे पूरा भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो ये स्पेशल केसेस है जिसकी भी जांच कैग कर सकते हैं एक्ट एज अ गाइड फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है जो डिसाइड कर दी है ठीक है पैसा कहाँ से आएगा या आ रहा पैसा कहाँ जाएगा उसके गाइडेंस के तौर पर भी वो काम कर सकते हैं लिमिटेशन क्या है सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विजुअलाइजेज द कैग टू बी कंट्रोलर एज वेल एज ऑडिटर जनरल ओके तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा गया था कि भाई वो कंट्रोलर भी होंगे एज वेल एज ऑडिटर भी होंगे बट इन जनरल प्रैक्टिस इन डे टू डे लाइफ वो कंट्रोलर का काम नहीं करते हैं ही इज़ ओनली ऑडिटर जनरल सो द कैग इज़ फुलफिलिंग द रोल ऑफ एन ऑडिटर जनरल ओनली एंड नॉट दैट ऑफ द कंट्रोलर

किसी स्कीम के लिए अगर किसी मिनिस्ट्री को पैसे निकालने हैं तो जनरली कैग का अप्रूवल होना चाहिए नाम के हिसाब से ओके आफ्टर कैग परमिशन कैग की परमिशन के बाद ही वो पैसा मैं निकाल पाऊंगा बट इंडिया में ऐसा नहीं है ठीक है जस्ट नाम दे दिया गया है बट पैसा निकालने के लिए या तो पैसा खर्च करने के लिए कैग की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है कैग उस खर्च किए गए पैसे को सिर्फ ऑडिट कर सकते हैं ओके okay? चलिए in this respect the cag of india differs totally from cag of britain who has powers of both controller as well as auditor general in other words in britain the executive can draw money from the public exchequer only with the approval of cag which is totally not in the case in india so this is all about your cag i am sure that already you have read this in your polity so see

द डे इज एम्ड एट प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ दर्ल्ड इंडिजीनियस पॉपुलेशन एंड टू एक्नोलेज द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इंडिजीनियस पीपल मेक टूवर्ड्स वर्ल्ड वर्ल्ड इशूज सच इज़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बैकग्राउंड क्या होगा इसका द डे रिकगनाइज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजीनियस पॉपुलेश जीनीवा इन नाइनटीन एटी टू राइट तो वो नौ अगस्ट को पहली बार यूनाइटेड uh, नेशंस ने इंडिजीनियस पॉपुलेशन के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट किया था मीटिंग की थी एंड दैट्स वाई नौ अगस्त को ये दिन मनाया जाता है इट हैज़ बिन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर सिंस 1994 इन अकॉर्डेंस विद द डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस और 2020 की थीम क्या थी कोविड 19 एंड द इंडिजीनियस पीपल्स रेजिलियंस तो कैसे इंडिजीनियस पीपल अब तक बचे हुए आपने देखा होगा कि जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पर अभी तक कोविड नाइन्टीन स्प्रेड नहीं हो पाया है तो क्यों नहीं हो पाया है उसको रिसर्च करने के लिए उसको स्टडी करने के लिए ये थीम रखी गई है कोविड नाइन्टीन एंड इंडिजीनियस पीपल्स रिजिलियंस ट्राइब्स इन इंडिया सो अकॉर्डिंग टू ट्वेंटी इलेवन ट्राइबल्स मेक अप टू एट पॉइंट सिक्स परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन और देखिए तीन या चार स्टेट को छोड़कर आपको हर स्टेट में ट्राइबल पॉपुलेशन मिल जाएगी और मेनली जो ट्राइबल एरियाज़ है वो कौन से हैं मध्य प्रदेश बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा और ओके और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर वाला इलाका है वहाँ पे आपको ट्राइबल पीपल मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू देंटी इलेवन सेंसस एट पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन आर ट्राइबल पॉपुलेशन देर आर ओवर ओवर सेवन हंड्रेड ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया आउट ऑफ विच अराउंड सेवेंटी फाइव आर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जिसको पीवीटीजी के तौर पर जाना जाता है दिस टॉपिक आल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन पास्ट पीवीटीजी नाउ यू हैव टू टेल मी दैट इन गुजरात हाउ मेनी पीवीटीजीज आर देयर हाउ मेनी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आर देयर नाउ ना वॉट आर पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं जो अभी भी फार्मिंग के वो पुराने तरीके यूज़ करते हैं या जिनका जो बेसिक अर्निंग जो है वो खेती से आता है जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं जिनका पॉपुलेशन काफ़ी स्टेग्नेट हो चुका है ना बढ़ रहा है ना घट रहा है ओके या तो जिनमें लिटरेसी का जो लेवल है वो काफ़ी कम है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है राइट तो ऐसे जो पिछड़े हुए ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको पी वी का टैग दिया गया है गुजरात में ऐसे कितने पी वी ग्रुप्स हैं और कौन से कौन से दिस इज योर थर्ड होमवर्क टॉपिक वो आपको लिस्ट आउट करके मुझे बताना है ओके दोड नोट इन क्लास तो उनके पास ऑलरेडी ये लिस्ट होगा जस्ट यू नीड टू रिवाइज इट एंड कमेंट ओके द गोंड कॉम्प्राइज दार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया गोंड आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएंगे ये भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है गुजरात महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटका गोवा इन सब जगह पर आपको अलग अलग गोंड प्रजाति के लोग मिल जाएंगे द लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर फाउंड इन उड़ीसा तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स पाए जाएंगे हाईएस्ट नंबर ऑफ़ ट्राइबल ग्रुप्स नो ट्राइब आइडेंटिफाइड इन हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ दिल्ली एंड पुडुचेरी तो ये जो स्टेट है हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ दिल्ली एंड पुडुचेरी यहाँ पे कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी आपको नहीं मिलेगी ट्राइबल्स से रिलेटेड कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलते हैं सो देट आर आर्टिकल थ्री फोर्टी टू आर्टिकल थ्री थर्टी फाइव थ्री थर्टी एट ए एंड देर आर सेवरल कमिटीज हैज टू इम्प्रूव प्रोग्रेस इन द ट्राइबल कम्युनिटीज राइट और उनमें से जो बेसिक कम्युनिटी बेसिक कमिटीज़ है वो कौन सी है जाजा कमेटी जो कि सेटअप हुई थी ट्वेंटी थर्टीन में भूरिया कमीशन जो कि सेटअप हुआ था 2002 में एंड लोकोर कमेटी जो कि सेटअप हुई थी 1965 में तो ये तीनों कमेटी के नाम भी आपको याद रखने हैं दिस इज़ ऑलरेडी योर योर पार्ट ऑफ योर पॉलिटी सब्जेक्ट आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दैट जस्ट मैंने आपके एक्स्ट्रा स्टफ़ के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है अगर आप चाहें तो इसके नोट बना सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज नेगेटिव इम्पोर्ट लिस्ट फॉर डिफेंस तो आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट देने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक काफ़ी अच्छा एंड बोल्ड कदम उठाया है कि 101 जितनी जो डिफेंस रिलेटेड जो भी आइटम्स थी उसके इम्पोर्ट पर क्या लगा दिया गया है बैन लगा दिया है और उसको अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा आप सोच सकते हैं कि अगर 101 जितनी आइटम्स इंडिया के हर अलग अलग मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में भी अगर मैन्युफैक्चर की जाती है तो कितने सारे लोगों को उससे रोज़गार मिल सकता है रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ अनाउंस द नेगेटिव लिस्ट ऑफ वन जीरो वन डिफेंस आइटम्स दैट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विल स्टॉप इंपोर्टिंग इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के तरफ एक कदम है दिस विल बूस्ट इंडिजनाइजेशन इंडिजनाइजेशन का मतलब है खुद के यहाँ बनाना राइट नेटिव प्लेस पर बनाना इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड

फॉरन एक्सचेंज मिले फॉरन करेंसी मिले द मैन्यूफैक्चरर्स कुड बी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंगस दिस विल रिड्यूस दवर्नमेंट्स डिफेंस इम्पोर्ट बिल तो जो इतना खर्चा इम्पोर्ट पर किया जाता है डिफेंस बजट में उसको कम करने में मदद मिलेगी और ये कौन सी कौन सी आइटम रहेगी तो वो आइटम का जो पूरा लिस्ट बनाया गया है उसमें टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम लाइक आर्टिलरी गन्स असोल्ट राइफल्स सोनार सिस्टम्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रडार्स एंड मैनी अदर आइटम्स ओके तो इन सारी ऐसी एक सौ एक चीजों को इम्पोर्ट पे क्या कर दिया गया है बैन लगा दिया गया है द इम्पोर्ट्स ऑफ दन जीरो वन डिफेंस आइटम्स इज प्लान टू बी प्रोग्रेसिवली इम्प्लीमेंटेड बिटवीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज ऑल्सो द कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट

बजट होगा किसी भी प्रोक्योरमेंट का तो कोई फॉरेन कंट्री उसमें हिस्सा नहीं ले पाएगी इससे क्या मतलब होगा जो लोकल कंपनीज़ है जो नेटिव कंपनीज है वही टेंडर प्रोसेस में हिस्सा लेगी ताकि लोकली जो मार्केट है उसको क्या मिलेगा बूस्ट मिलेगा और यही उसके बेनिफिट्स है इट विल ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू दी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर द आइटम्स इन दी नेगेटिव लिस्ट बाई यूजिंग देर ओन डिजाइन एंड डेवेलपमेंट कैपेबिलिटीज़ और अडोप्टिंग द टेक्नोलॉजीज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाई द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डी आर डी ओ टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ़ दर्मड फोर्सेज इट इज़ अ बिग स्टेप टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस अंडर दी आत्मनिर्भर भारत इनिशियेटिव को इससे काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आंदमान और निकोबार आईलैंड से ले जुड़ता हुआ रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने आंदामान एंड निकोबार के लोगों को एड्रेस करते हुए अंडामान एंड निकोबार आइलैंड को मैरी एंड स्टार्टअप हब के तौर पर लॉन्च किया है सो रिसेंटली दी प्राइम मिनिस्टर हैज़ डिक्लेयर्ड दैट अंडामान एंड निकोबार आइलैंड्स विल बी डेवलप्ड एज मेरी एंड स्टार्टअप हब द ट्रांसशिपमेंट हब हैज़ बीन प्रपोज्ड इन आंदमान एंड निकोबार आईलैंड ना वॉट इज ट्रांसशिपमेंट हब तो जब ओशन में कोई जहाज काफ़ी लंबी जर्नी करता है तो बीच में जहाँ हॉल्ट के लिए रुकेगा तो उसको आप क्या कहोगे ट्रांसशिपमेंट हब राइट ट्रांसशिपमेंट हब इज़ वेन अ कार्गो और अ कंटेनर इज मूव फ्राम वन वेसल टू अनदर वाइल्ड इन ट्रांजिट टू इट्स डेस्टिनेशन तो जब एक देश से दूसरी जगह जा रहा हो तो डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए जहाँ उसको हॉल्ट में रखा जाएगा या तो चेंज किया जाएगा उसकी जर्नी पाथ चेंज किया जाएगा उसको आप क्या कहोगे ट्रांसशिपमेंट हब कहोगे तो अब देखिए क्योंकि श्रीलंका का हम्बन डोटा जो पोर्ट है वो पूरा चाइना के कब्जे में चला गया है उसको काउंटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने आंदमान निकोबार आइलैंड को डेवलप करने के लिए ये कदम उठाया है इट विल बी बिल्ट इन साउथ बे ग्रेट निकोबार आइलैंड टू प्रोवाइड इंडियन शिपर्स एंड ऑल्टरनेटिव टू दी कोलम्बो सिंगापुर एंड पोर्ट क्लांग ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स तो हेज ऑफ नाउ कोलम्बो सिंगापुर एंड पोर्ट क्लांग में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स अवेलेबल है उसको टक्कर देता हुआ ये पोर्ट बनाया जाएगा ट्वेल्व आईलैंड ऑफ द आर्ची पेलागो हैव बीन सिलेक्टेड फॉर हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स

ओके okay, और उसका नाम आपको मुझे उस ट्राइबल ग्रुप के साथ आपको मुझे बताना है और 2019 में अंदमान निकोबार आइलैंड के काफ़ी आइलैंड के नाम भी बदले गए हैं राइट तो जरा एक बार आप उसको भी रिवाइज कर सकते हो अ सबमरीन केबल प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च इन द आइलैंड टू मेक इट डिजिटल इंडिपेंडेंट टू थाउजेंड किलोमीटर ऑफ सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैव बीन लेड डाउन दी फाइबर विल कनेक्ट चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर एंड सेवन अदर आइलैंड्स, वन ऑफ देम इज़ स्वराजदीप जिसका नाम पहले क्या था लोग जो ऑलरेडी मैंने आपको अभी दो मिनट पहले बताया राइट कि 2019 में इसका नाम क्या किया गया था बदला गया था लॉन्ग आइलैंड एट्सेट्रा द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट वॉज फंडेड बाई दें सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इट वॉज एग्जीक्यूटेड बाई बी एस एन एल एंड टी सी आई एल वॉज द टेक्निकल कंसल्टेंट तो बी बी एस एन एल उसको अप्लाई करेगा और उसको टेक्निकल टेक्निकली कंसल्ट कौन करेगा टी सी आई एल उसको वहाँ पर सेटअप करने के लिए हेल्प करेगा सो दिस इज़ ऑल्सो दी क्वाइट अ बोल्ड स्टेप इन दी डेवलपमेंट ऑफ आंदा एंड निकोबार आईलैंड नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज रिलेटेड टू ई संजीवनी अब ई e संजीवनी कोई नया टॉपिक नहीं है हमारे लिए ऑलरेडी पास्ट में हम उसको देख चुके हैं बट कोविड नाइन्टीन के रिलेटेड यहाँ पर कुछ अपडेट होता मैं है वो हमें दिखाया दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक टेली मेडिसिन सर्विस platforms of the Ministry of Health and Family Welfare, that is E संजीवनी and E संजीवनी OPD, have completed 1.5 lakh वन पॉइंट फाइव तो आपको मोबाइल पे ही डॉक्टर आपको कंसल्ट करेंगे ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना हो अब ये जो चीज़ है वो कहाँ पे काम आएगी Rural areas जो है कि जहाँ पे doctor रूरल एरियाज़ की जो हॉस्पिटल्स होती है वहाँ पे कोई परमानेंट डॉक्टर नहीं रहता तो ऐसी जगहों पे ये जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी काम आ सकता है वो टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव इस्तेमाल होता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है द टॉप टू स्टेट्स विच हैव रजिस्टर्ड हाइस्ट कंसल्टे थ्रू प्लेटफॉर्म्स आर तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश तो तमिलनाडु में बत्तीस हज़ार जितने कंसल्टेशन हुए आ, टेली कम्युनिकेशन के थ्रू एंड आंध्र प्रदेश में उनतीस हज़ार जितने आ, टेली मेडिसिन सर्विस लोगों ने ली सिंस नवंबर ट्वेंटी नाइनटीन टेली कंसल्टे बाई ई संजीवनी एप्लीकेशन एंड ई संजीवनी ओ पी डी हैव बिन इम्प्लीमेंटेड बाई ट्वेंटी थ्री स्टेट्स देखिए ऑलमोस्ट नाइंटी परसेंट स्टेट इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं बोथ द्लेटफॉर्म्स हैव बिन डेवेलपड बाई देंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवास्ड कंप्यूटिंग दैट इज नोन एज सी डेक ओके okay, और जो कि है उसका हेड क्वार्टर है मोहाली में सीडेक इज द प्रीमियर आर एंड डी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर कैरिंग आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आई डी आई टी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसोसिएटेड एरियाज तो सीडेक एक काफ़ी जानी मानी संस्था है देश की उन्होंने ये ई संजीवनी को पूरी तरह से वो कंट्रोल कर रहे हैं वो चला रहे हैं मैनेज कर रहे हैं टेलीमेडिसिन क्या होगा सो एज पर दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टेलीमेडिसिन इज द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज वेर डिस्टेंस इज अ क्रिटिकल फैक्टर बाई ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज एंड इंजरीज रिसर्च एंड इवेल्यूएशन एट्सेट्रा राइट तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो दूर दूर के ट्राइबल एरियाज है गाँव के जो इलाके हैं वहाँ कोई परमानेंट डॉक्टर का रहना पॉसिबल नहीं है ओके okay? काफ़ी गवर्नमेंट कितने भी पैसे दे, काफ़ी सारी अभी ऐसी जगह है जहाँ कोई डॉक्टर रहना नहीं जाता राइट तो ऐसे लोगों को सत्तर किलोमीटर अस्सी किलोमीटर दूर कोई नज़दीक अगर टाउन है वहाँ पे जाके आ, हेल्थ केयर की सर्विस लेनी पड़ती है कोई क्रिटिकल कंडीशन अगर हो गई तो क्या होगा तो वैसी सिचुएशन में टेलीमेडिसिन का जो प्लेटफॉर्म है वो काम आ सकता है टेली कंसल्टे इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ टेली मेडिसिन इट यूजिज़ आई टी टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर हु आर अदरवाइज जियोग्राफिकली सेपरेटेड ठीक है तो ये कोई शहर में बैठा हुआ अच्छे से अच्छा डॉक्टर किसी दूर के जो छः सौ किलोमीटर दूर के अगर गाँव में कोई मरीज़ है तो उसको अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा सकता है एंड दिस इज़ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी राइट एंड नाउ वॉट इज़ ई ई संजीवनी सो इट इज़ अ डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सिस्टम बींग इम्प्लीमेंटेड अंडर द आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोग्राम ए बी एच डब्ल्यू सीज आर एनविस टू बी अ प्लेटफॉर्म फॉर डिलीवरी ऑफ एन एक्सपेंडेड रेंज ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज क्लोजर टू दी कम्युनिटीज सो जो अभी मान लीजिए कोई बुखार आ गया या सर्दी खांसी हो गई तो ऐसे सिचुएशन में कोई सत्तर किलोमीटर ट्रैवल करने का कोई लॉजिक नहीं है तो ऐसी सिचुएशन जनरली हम टेलीकम्युनिकेशन के मीडियम से ही उसको हम क्योर कर सकते हैं इट सीक्स टू कनेक्ट ऑल वन लैक फिफ्टी थाउजेंड एच डब्ल्यू सीज यूजिंग दी हब एंड स्पोक मॉडल बाई डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो दो हज़ार बाईस तक जो भी देश में डेढ़ लाख जितने जो वेलनेस सेंटर है उसको जोड़ा जाएगा जो कि आते हैं सारे आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर Under this model, a network will be established comprising an anchor establishment or hub, which offers a full array of services and will be complemented by secondary establishment, which offer limited services, routing patients needing more intensive services to the hub for treatment. Right? जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके घर के बाज़ आपका कोई फैमिली डॉक्टर है। अब फैमिली डॉक्टर पहले नॉर्मल जांच करेगा। अगर उसको लगता है कि कुछ ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, तो वो किसी और आ, बड़े डॉक्टर को या एमडी को या किसी स्पेशलिस्ट को आपको रिफ़र कर देगा तो सेम चीज़ कहाँ की जाएगी ऑनलाइन की जाएगी कि अगर कोई प्राइमरी कंसल्टेंट आपकी बीमारी दूर नहीं कर सकता है तो उसके लिए सेकेंडरी एस्टेब्लिशमेंट भी सेटअप किया जाएगा प्रेजेंटली टेली मेडिसिन इज़ बींग प्रोवाइडेड थ्रू मोर देन थ्री थाउजेंड एच डब्ल्यू सीज इन टेन स्टेट्स तो एज ऑफ नाउ तीन हज़ार ऐसे टेली मेडिसिन सेंटर्स बनाए गए हैं जो कि दस अलग अलग राज्यों से ऑपरेट कर दिया और ये सारे ही आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना वॉट इज ई संजीवनी ओ तो ये जो चीज़ है वो कोविड नाइन्टीन के दौरान लॉन्च की गई है सो इट वॉज लॉन्च्ड एमिट दी कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक टू अनेबल पेशेंट्स टू डॉक्टर टेली कंसल्टेस ऑफर्ड एट नो कॉस्ट दिस ई हेल्थ सर्विस हैज़ मेड दि इट कन्वीनियंट फॉर द पीपल टू अवेल ऑफ द हेल्थ सर्विसज विदाउट हैविंग टू ट्रैवल इट अनेबल्स टू वे इंटरेक्शन एंड इवन generates अ प्रिस्क्रिप्शन स्लिप राइट तो कोविड 19 वाली सिचुएशन में लॉकडाउन के दौरान काफ़ी लोगों को बाकी बीमारियां तो थी ही राइट तो उसको भी एड्रेस करने के लिए ई संजीवनी ओ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था इट इज़ होस्टिंग ओवर 40 ऑनलाइन आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट सर्विसेज मोर देन हाफ ऑफ दिज आर स्पेशलिटी ओ पी डीज विच इंक्लूड्स गाइनिकोलॉजी साइकियाट्री एंटी रिट्रीवियल थेरेपी फॉर दी एड्स एंड एच आई वी पेशेंट्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीजे एट्सेट्रा ये सारे डिजीज को भी जो कि यूजअली क्रिटिकल माने जाते हैं उनको भी ई संजीवनी ओ पी डी में इंक्लूड किया गया था ओके नेक्स्ट इज क्वाइट एन ईजी टॉपिक फॉर आज और ये फार्मिंग से जुड़ता हुआ टॉपिक है एंड इनोवेशन से जुड़ता हुआ टॉपिक है देश में पहली बार एक किसान रेल चलाई गई है अब देखिए किसान रेल का मतलब क्या है कि मैं अगर फार्मर हूँ और मैं मान लीजिए कि आलू की खेप लगा रहा हूँ सौ टन आलू अगर मैंने उगाए हैं और मुझे किसी और शहर में भेजने हैं तो अगर मैं उसको ट्रक से या किसी पर्सनल व्हीकल से भेजूंगा भेजूँगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा ज़्यादा होगा उसी को ओवरकम करने के लिए उसी को रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से किसान रेल जो कि इसका ऑलरेडी बजट में जिक्र आपने देखा होगा राइट किसान रेल तो उसको गवर्नमेंट ने देखे कितने कम टाइम में उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया राइट ट्वेंटी ट्वेंटी के बजट में हमें किसान रेल के बारे में जानने को मिला था चार पाँच महीनों के बाद वो इम्प्लीमेंट होता हुआ हमें दिख रहा है और पहली ऐसी किसान रेल चलाई गई है देवलाली महाराष्ट्र से लेकर दानापुर बिहार तक ओके आप ही सोचिए अगर मैं अपनी खुद की गाड़ी से अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करता हूँ और वही सेम जर्नी अगर मैं रेलवे से करता हूँ तो रेलवे इज़ टेंथ टाइम चीपर राइट वो दसवें भाग का सस्ता जर्नी मुझे पड़ेगा वही सेम चीज़ अप्लाई होती है आपके फार्मिंग प्रोडक्ट्स को अब जब फार्मर वो चीज़ें सस्ती बेचेगा तो आप तक वो चीज़ें कैसी पहुँचेगी सस्ती पहुँचेगी राइट तो ये पूरा साइकिल आपको समझ में आना चाहिए

ट्रांसपोर्ट की जाएगी अर्लियर इंडियन रेलवेज हैड रन सिंगल कोमोडिटी स्पेशल ट्रेन लाइक बनाना स्पेशल ट्रेन जो कि तेलंगाना से चलाई गई थी राइट जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर चुके हैं दिस ट्रेन विथ रेफ्रिजरेटेड कोचेज विल हेल्प इन ब्रिंगिंग पेरिशेबल जो कि बिगड़ती हुई अगर जो कोई फार्मिंग की चीज़ें हैं तो उसको भी अकोमोडेट किया जाएगा पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक वेजिटेबल्स फ्रूट्स टू दी मार्केट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दिस विल एन्श्योर दैट एग्रो प्रोडक्ट्स रीच फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द कंट्री दीज ट्रेन आर अ स्टेप टूवर्ड्स रियलाइजिंग दी ग्लोबल गोल ऑफ डबलिंग दी फार्मर्स इनकम बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो ये गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा विजन है कि दो हजार बाईस तक किसानों की जो इनकम है उसको क्या करना है डबल करना है दीज आर एक्सपेक्टेड टू बी अ ग्रेट हेल्प टू द फार्मर एज फ्रेट ऑफ दिस फ्रेट का मतलब है किराया फ्रेट ऑफ दिज ट्रेन बी चार्ज एज पर देवलाली दानापुर ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाई वन थाउजेंड पर टन कम्पेड विद रोडवेज एंडल टाइम अराउंडीन देखिए दोनों ही जगह से फायदा हो रहा है किसान को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगा और टाइम भी यहाँ पे सेव होगा अग्रेसिव मार्केटिंग इज बींग डन विद लोकल फार्मर्स लोडर्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ दैट इज़ योर ए पी एम सी जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में होगी ही होगी एंड इंडिविजुअल्स एनी फार्मर और एनी अदर इंटरेस्टेड पार्टी कैन डिरेक्टली बुक देयर कंसाइनमेंट इन ट्रेन विदाउट एनी लोअर लिमिट ऑन द साइज ऑफ द कंसाइनमेंट अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे मिनिमम कोई पार्सल भेजना ही भेजना है छोटा से छोटा पार्सल भी मैं उसको ट्रेन के थ्रू भेज सकूंगा ताकि जो छोटे किसान हैं ठीक है थीके? वो भी अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह इजीली भेज पाए द कंसाइनमेंट कैन बी एज स्मॉल एज फिफ्टी टू हंड्रेड केजीज एंड कैन बी बुकड फ्रॉम एनी स्टॉपिंग स्टेशन टू एनी अदर स्टॉपिंग स्टेशन गिविंग फुल फ्लेक्सीबिलिटी आप जिस स्टेशन पर बोलोगे इन बिटवीन ट्रेन के ओके okay? वहाँ पे उसको उतार दिया जाएगा रिगार्डिंग लॉस डैमेज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर एनी रीजन रेलवेज ऑलरेडी हैव अ वेल एस्टैब्लिश्ड क्लेम कंपनसेशन सिस्टम थ्रू विच द पार्टी कैन गेट कॉम्पन्सेशन फॉर इट्स लॉसेज मान लीजिए अगर रेलवे की तरफ से वो आपका जो फार्मर्स का जो आइटम्स है वो अगर डैमेज होता है या नुकसान होता है तो उसको भी रेलवे क्या अगर देगा कॉम्पनसेट कर देगा ताकि फार्मर्स को कोई भी नुकसान नहीं होगा ओके सो दिस वॉज क्वाइट एन ईजी टॉपिक सो दिस वॉज योर टू डेज लेक्चर्स लेट मी नो इफ देर इज एनी डाउट स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू